Hello friends, welcome back to Radhika Study Hub. Today we are going to discuss a play which is The Merchant of Venice by world-renowned writer which is William Shakespeare. This play was written by Shakespeare and was published in 1623. Ye play tragic comedy wala play hai aur basically iske setting jo hai wo Venice ki aur Belmont ki dikhai gayi hai. वेनिस और जो बेलमोंट है ये इटली के शहर हैं, वहाँ की इसकी सेटिंग है. तो अब जो इस प्ले की मैं समरी आप सबको बताने लगी हूँ, ब्रीफ में सारा प्ले समझाऊंगी, होप सो कि आप सबको ये इजीली समझ आ जाए. एक बार वेनिस के शहर में मतलब वेनिस का जो शहर है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर माना जाता है, बिजनेस का सेंटर ऑफ ट्रेड माना जाता है. और वहाँ पर बहुत अमीर मर्चेंट रहा करते थे, जिनमें से एक था एंटोनियो. उसका काम था कि वो जगह जगह अपनी शिप्स के थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स सेंड करता होता था. और बहुत उसके जेंटल बिहेवियर था, काइंड नेचर का था और उसके शहर में उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी. उसके भी बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त जो था वो बसानियो था. बसानियो उसका बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था. वो एक सोल्जर था और एक स्कॉलर था. ज़्यादातर उसने अपना जो टाइम है वो स्पेंड करता होता था एंटोनियो के साथ ही उसने स्पेंड किया. और जो मनी है, पैसा है बसानियो, वो पानी की तरह उड़ाता था. और पानी की तरह पैसा उड़ाने के बाद वो पेनीलेस ही हो गया, मतलब उसके पास पैसा बचा ही नहीं. अब जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करता था, अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास चला जाता था, जो मैंने अभी बताया कि एक मर्चेंट है, उसके पास चला जाता था. और एंटोनियो भी उसे खुशी खुशी पैसा दे देता था. कभी भी उसने उसको मना नहीं किया कि नहीं मैं नहीं दूंगा या ये वो. बहुत ही जेनरस नेचर का है एंटोनियो और लिबरल है, बहुत आसानी से पैसा दे देता था. तो बाकियों को भी मनी लेंड करता होता था और उनसे इंटरेस्ट भी नहीं लेता था मनी चार्ज. मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम किसी को लोन दे रहे हैं तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा वो करता था. और जितने पैसे देता था उतने वापस ले लेता था, यही उसका काम था. और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स में वेल नोन था, सब उसे जानते थे कि यही एक ऐसा इंसान है जो किसी से इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता. एक दिन एंटोनियो बहुत ही दुखी हो गया. क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे सलारिनो और सलानियो, उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने उसको खुश करने की कोशिश की, बट उनकी खुशी जो है वो नाकामयाब रही. एंटोनियो दुखी था तो सलारिनो और सलानियो उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का. उसी टाइम जो बसानियो है वो एंटोनियो के पास आता है और उसे याद दिलाता है कि एंटोनियो तुमने मुझे एक बार प्रॉमिस किया था किसी चीज़ को लेकर. कहता है क्या? कहता है कि एंटोनियो रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस टू टेल हिम समथिंग अबाउट द लेडी बसानियो हैड डिसाइडेड टू विजिट. कि एंटोनियो उसे रिमाइंड करता है उसके प्रॉमिस के बारे में कि तुमने, अच्छा यहाँ पर एंटोनियो जो है, सॉरी मैं बसानियो बोल गई, एंटोनियो उसे याद दिलाता है बसानियो को कि तुमने एक बार मुझे एक लड़की के बारे में बताया था कि तुम उसे मतलब विजिट करोगे, तो वो कौन है वो लड़की, उसके बारे में कुछ बताओ तो सही. पहले तो बसानियो बताने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, तो वो कहता है कि मतलब ये हेजिटेट करता है कि उसे पैसा चाहिए उस लड़की को मिलने जाने के लिए, तो वो बता नहीं पा रहा होता. तो बसानियो उसे कह देता है एंटोनियो को इन राउंड अबाउट वे ऑफ हिज फाइनेंशियल पोजीशन कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी ठीक नहीं है, उसे पैसा चाहिए, तो वो अब लड़की को किस तरह से मिलने जाए जिसकी वो बात कर रहा था. तो एंटोनियो से कहता है कि अच्छा फिर तुम्हें लोन चाहिए. वो कहता है कि हाँ लोन तो चाहिए. कि एंटोनियो कहता है कि मैं तुम्हें लोन तो दे दूँ, वो तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो, पैसे की टेंशन मत लो, बट इसके बदले में तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो लड़की कौन है. एंटोनियो कहता है कि ठीक है मुझे पैसा दे दो, वो लड़की पोर्शिया है. पोर्शिया के बारे में बताता है. अब पोर्शिया कौन है? पोर्शिया बेलमोंट की एक लड़की है, बहुत ही रिच लड़की है, बहुत ही वर्चुअस है और ब्यूटीफुल है. और आगे वो कहता है कि वो उसे पोर्शिया से शादी भी करना चाहता है.
और उसे अपने आप पे पूरा श्योरिटी थी कि उससे मैरिज करने में वो कामयाब रहेगा। तो बेलमोंट जाना चाहता है विद पॉम्प एंड शो, मतलब वो पूरे धूम धड़ाके के साथ वहाँ पर जाना चाहता है, अपनी गरीबी नहीं शो करना चाहता कि हाँ मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, वो चाहता है कि हाँ वो रिच भी लगे, सब कुछ उसे दिखे। तो इसीलिए वो उससे मांगने आया होता है 3,000 डकेट्स। डकेट्स जो है वो एक ओल्ड सिल्वर कॉइन वाली करेंसी है उस टाइम पे वेनिस की। तो ये सारा सीन होता है अभी तक कि बसानियो जो है वो एंटोनियो के पास जाता है, एंटोनियो से पैसे की डिमांड करता है, एंटोनियो से कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मेरे को बताना होगा कि जो तुम लड़की की बात करते हो कि तुम उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, वो लड़की आखिरकार है कौन। तो वो उसे बता देता है कि वो लड़की पोर्शिया है, पोर्शिया बेलमोंट की रहने वाली लड़की है, बहुत रिच है और बहुत सुंदर है, उससे वो शादी करना चाहता है और इसलिए उसे 3,000 डकेट्स की ज़रूरत है। बट अब वहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एंटोनियो तो बहुत रिच पर्सन है, उसकी शिप्स चलती हैं, एक मनी लेंडर का काम करता है, बट उसके पास आज पैसा ही नहीं है। वो कहता है, एंटोनियो कहता है, बट मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा इन द सेंस कि उसके पास सॉलिड मनी नहीं है। सॉलिड मनी होती है जो कैश हमारे पास अवेलेबल होता है, उसके पास कैश नहीं है क्योंकि सारा जितना भी गुड्स हैं वो उसकी शिप्स लेके गई हुई हैं, बट अभी तक शिप्स रिटर्न नहीं हुई। शिप्स में सारा लिक्विड फॉर्म में पैसा गया हुआ है, लिक्विड फॉर्म मतलब इन्वेस्टेड फॉर्म में गया हुआ है। तो अब जैसे ही वो शिप्स वापस आएंगी तो मतलब तभी पैसा आ सकता है वापस। तो आफ्टर दैट देर नो शॉर्टेज ऑफ मनी, कि इसके बाद एक बार शिप्स आ जाएं तो फिर तो पैसे की कोई कमी है ही नहीं ना, फिर तो पैसा ही पैसा है। तो बट जो वसानियो है उसको तो पैसा चाहिए, इसीलिए एंटोनियो कहता है कि ऐसे करते हैं किसी और मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं, कि अभी तुम्हें ज़रूरत है तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तो एंटोनियो और बसानियो जो हैं वो एक बहुत ही रिच मनी लेंडर के पास जाते हैं, जो एक ज्यू होता है जिसका नाम है शाइलॉक, और उससे पैसा लेने की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि हमें 3,000 डकेट्स का लोन चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हाँ प्लीज़ शाइलॉक हमें पैसा दे दो और हम तुम्हारा पैसा टाइम से लौटा भी देंगे, इस चीज़ की तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तो शाइलॉक जो है वो एक पत्थर दिल आदमी है, शाइलॉक में बिल्कुल कोई भी फीलिंग्स वगैरह नहीं है, और जितना भी आज तक उसने पैसा कमाया है वो सबसे लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट, हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके कमाया है। शाइलॉक जो है वो असलियत में एंटोनियो से नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? क्योंकि जो एंटोनियो है वो दूसरों को मनी लेंड ज़रूर करता है, वो भी एक मनी लेंडर है, बट वो उनसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता, और जिसकी वजह से जो वेनिस है वहाँ के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन चले गए। क्योंकि जब एक मनी लेंडर ही नहीं मनी पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो फिर बाकियों के तो डाउन जाएंगे ना इंटरेस्ट, सारे तो उसी के पास जाएंगे फिर वापस। जिसकी वजह से जो शाइलॉक का मनी लेंडिंग का बिजनेस था वो स्लो जा रहा था। इसी के साथ साथ जो एंटोनियो है उसने काफ़ी मतलब मर्चेंट्स को शाइलॉक के लोन से बचाया था, जैसे कई होते हैं ना धोखाधड़ी शाइलॉक करने की कोशिश करता था, तो ऐसे जो लोग थे जिनके साथ धोखा होने वाला होता था उनको वो बचाता होता था। तो शाइलॉक जो था पहले तो वो बहुत हेजिटेट कर रहा था कि मैं मनी लेंड नहीं करूंगा बसानियो को, कि मैं नहीं दे सकता, बट फिर वो मान जाता है कि ठीक है मैं दे तो दूंगा। बट शाइलॉक चाहता था कि एंटोनियो जो है वो श्योरिटी की तरह रहे लोन की, जैसे हम कह देते हैं ना किसी चीज़ को गिरवी रख देते हैं हम लोन लेते समय, सपोज कोई भी लोन लेने जा रहा है तो वो कोई चीज़ अपनी वहाँ पर उनको एज अ सेफ दे दे कि हाँ सपोज़ अगर हम लोन ना पे कर सकें तो आप ये चीज़ हमारी रख लेना। इसी तरह वो एंटोनियो को श्योरिटी पे रखना चाहता था लोन की, और उन्होंने ये कहा, एंटोनियो को ये नहीं पसंद था कि कोई भी मतलब इंटरेस्ट पे पैसा लेना, क्योंकि एंटोनियो का ये काम ही नहीं था, एंटोनियो तो हमेशा किसी से बिना इंटरेस्ट पे पैसा देता होता था। बट फिर भी उसने अपने फ्रेंड की खातिर, बसानियों की खातिर, उनसे इंटरेस्ट पे शाइलॉक से पैसा लेने में एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो शाइलॉक जो है वो एंटोनियो और बसानियों को कहता है कि एक चीज़ तुम दिमाग में रखना कि बाई चांस अगर
तुम ये चीज़ फुलफ़िल करने में नाकामयाब रहे। अगर तुम 3000 डकेट्स जो हैं वो ना दे पाए, तो उसके बदले में मैं एंटोनियो की बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश ले लूँगा। किसी भी बॉडी पार्ट से एंटोनियो की मैं 1 पाउंड फ्लैश ले लूँगा अगर तुम्हारा पैसा 3000 डकेट्स मुझे टाइम से ना मिला। अब जब ये उसने प्रपोजल आगे रखा कि एक बॉन्ड तैयार करना है जिसमें लिखा जाए कि अगर ये दोनों बसानियों जो है वो पैसा ना दे पाया तो एज अ पेनल्टी मैं 1 पाउंड फ्लैश लूँगा, तो जो बसानियों है वो इस चीज़ को अग्री नहीं करता इस चीज़ के साथ। वो एंटोनियो को यही कहता है कि तुम इस चीज़ को मत एक्सेप्ट करो, उसको प्रोटेस्ट करता है कि नहीं ये डेंजरस चीज़ है, हमें इस रिस्क पे पैसा नहीं लेना चाहिए। बट एंटोनियो जो है वो इंसिस्ट करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कि उसे पता है कि उसके जो शिप्स हैं वो वापस आ जाएंगे, जब वापस आएंगे टाइम से तो उसे पैसा मिल ही जाएगा। तो वो इस चीज़ को शाइलॉक की ये जो कंडीशन है उसको जोक की तरह सुन के वो बॉन्ड जो है वो साइन कर देता है और उनको पैसा मिल जाता है। जो बसानियो है उसको 3000 डकेट्स अब मिल गए हैं, उसने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है बेलमोंट जाने की। बेलमोंट वहीं जहाँ पर पोर्शिया रहा करती थी, तो वो अपना इस बार ट्रक जो लक है उसको ट्राई करना चाहता है कि शायद इस बार उसकी शादी हो जाए, वो सही कास्केट खोल दे। अब कास्केट का क्या सीन है कि जो पोर्शिया है, पोर्शिया के फादर ने एक विल साइन की हुई है कि पोर्शिया अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, पोर्शिया को जो भी मैरी करने आएगा उसको एक सही कास्केट खोलना पड़ेगा, और वो सही कास्केट खोलने के बाद उसमें एक रिडल होगी, उसको रिडल को सही तरह सॉल्व करना पड़ेगा। अगर रिडल सही सॉल्व हो गई तभी वो इंसान जो है वो पोर्शिया के साथ शादी कर सकता है, नहीं तो उनकी शादी नहीं होगी। इस चीज़ से पोर्शिया भी बहुत दुखी थी कि वो अपनी मर्जी के इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती, तो ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत चलती होती थी। उसी के साथ साथ जब बेलमोंट जाने की बसानियो तैयारी कर रहा था तो उसका फ्रेंड है ग्रेशियानो, वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो बेलमोंट, मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो बसानियो कहता मैं नहीं तुम्हें लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जाना चाह सकता वो उसको? क्योंकि उसे ग्रेशियानो के बात करने का तरीका नहीं अच्छा लगता, वो थोड़ा सा रूड साउंड करता है और बहुत ही फ्रैंक है अपने बिहेवियर के साथ। तो कहता है कि मैं नहीं तुम्हें लेके जाना चाहता, तुम्हारा बिहेवियर इम्पोलाइट सा है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर सारे डर जाएंगे तुम्हें ऐसे देख के कि मैं नहीं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो ग्रेशियानो कहता है कि नहीं नहीं तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, मैं बहुत ही पीसफुली वहाँ पर डिसेंट तरीके से बिहेव करूँगा, मेरा बहुत डिसेंट मैनर होगा बिहेवियर का, तो प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। तो फिर ठीक है, बसानियो कहता है चलो फिर ठीक है, बट अपना बिहेवियर नोटिस में रखना, अपने बिहेवियर को चेंज मत होने देना। वो कहता है ठीक है। इसी के साथ साथ उनका एक फ्रेंड है लोरेंजो, जो एक यंग मैन है और उसे जेसिका पसंद है। अब जेसिका कौन है? जेसिका शाइलॉक की बेटी है और वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन भाग जाएंगे। अब वो क्या करते हैं कि जो जेसिका है, जेसिका अपने घर से मतलब शाइलॉक के घर से सारा पैसा जो है वो चुराती है और दोनों लोरेंजो और जेसिका बेलमोंट के लिए भाग जाते हैं। बट ये नहीं कि वो बसानियो और ग्रेशियानो के साथ जाते हैं, बट वो भाग जाते हैं। अब शाइलॉक जो है वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसकी लड़की एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई है, क्योंकि जो लोरेंजो है वो एक क्रिश्चियन है, तो उसको टेरिबली एंग्री फील होता है कि हिज डॉटर हैज़ रन अवे विद अ क्रिश्चियन एंड टुक अवे हिज डकेट्स एंड सम जूल्स। उसकी ज्वेलरी भी ले जाती है, उसके पैसा भी ले जाती है। तो उसने ये अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया होता है कि वो एंटोनियो को पनिश करेगा कि अगर एंटोनियो ने मनी देने से मतलब चूक गया, उसके पैसा वापस ना आया सही टाइम पे, तो अब उसको बहुत ही अच्छे से पनिश करेगा। अपना सारा जो रिवेंज है अपनी बेटी का वो एंटोनियो से अब लेने वाला है वो। तो अब इस तरह से अब वो एंटोनियो से ही क्यों लेना चाहता है? पहली बात तो ये एंटोनियो एक बहुत वो डिसेंट मनी लेंडर है, वो किसी से इंटरेस्ट नहीं लेता, इस वजह से उसे उस पर गुस्सा है। दूसरा कि वो एक क्रिश्चियन है, तो अब ज्यू है वो शाइलॉक,
तो उसे थोड़ी सी क्रिश्चियन से हेट्रेड है। तीसरी बात कि लोरेंजो जो था जिसके साथ जेसिका भागी, वो भी एक क्रिश्चियन है, तो वो एक ऑल ओवर कम्युनिटी क्रिश्चियंस के साथ हेट करने लग गया। तो वो चाहता है कि अब मैं लोरेंजो का बदला जो है वो अब एंटोनियो से लूँगा, उसका पाउंड ऑफ फ्लैश लेके। तो वो इवन सलारिनो को भी बता देता है और सलानियो को भी बता देता है कि दैट दे शुड टेल एंटोनियो कि टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि उस अपने दोस्त को बता दो कि अगर ना रीपे किया सही टाइम पे लोन, तो फिर देख लेना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, फिर पाउंड ऑफ फ्लैश ही लिया जाएगा। एक तरह से चकन्ना करने को कह देता है। अब पोर्शिया की बात आती है, तो पोर्शिया तो एक एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल वुमेन है, बहुत ही सुंदर लेडी है, और फादर तो उसके मर चुके हैं, अब रह गई अनमैरिड डॉटर, ऊपर से विल भी आ गई वही कास्केट्स वाली की, 3 कास्केट्स होंगे। कास्केट होते हैं स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, कोई लेड का बना, सिल्वर का बना और गोल्ड का बना। अब उसमें कास्केट के बीच में पोर्शिया के जो है पिक्चर है, फोटो डाल दी गई है, और जो भी उसके साथ शादी करना चाहता है उसे एक सही कास्केट चूज करनी है जिसमें पोर्शिया की पिक्चर हो, और जो भी ये लकी लॉटरी की तरह ये कास्केट को खोलने की कोशिश करेगा उसको 2 प्रोमिसेस दिए जाएंगे कि ही वुड नॉट मैरी ऑल हिज लाइफ इफ ही फेल्ड टू चूज द राइट कास्केट। अब जो उससे शादी करने आया है उसके भी उसके लिए भी उन्होंने रखा गया है कि अगर तो वो फेल हो गया राइट कास्केट चूज करने में, तब तो वो पूरी उम्र दोबारा दूसरी शादी के लिए ट्राई नहीं कर सकता। दूसरी बात कि अगर ये जो भी उसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो उसने कास्केट चूज किया है उस वो किसी को बताएगा नहीं कि उसने कौन सा कास्केट चूज किया, नहीं तो ऐसे तो पता ही चल जाएगा कि अगर सपोज किसी ने लेड का किया किसी ने सिल्वर किया, और दोनों में अगर पोर्शिया की फोटो नहीं है तो ऑब्वियसली गोल्ड वाले में ही फोटो होगी ना, तो ये चीज़ किसी को भी नहीं बताएगा कि कौन सा कास्केट था। अब बहुत सारे प्रिंसेस आते हैं, लॉर्ड्स आते हैं जो अपनी लक को ट्राई करते करके जाते हैं, बट सारे पानी में, सबकी मेहनत पानी में, कोई भी चूज़ नहीं हो पाता। जिसमें से एक आता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है वो भी चूज़ करता है वो भी फेल हो जाता है, प्रिंस ऑफ एरेगन आता है, दोनों ने ही रॉन्ग कास्केट चूज़ की थी। अब बसानियो आता है, बसानियो जो है वो राइट कास्केट चूज़ कर लेता है और जिसमें पोर्शिया की पिक्चर होती है। अब पोर्शिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है कि वाह जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरी सही कास्केट जो है वो चूज़ कर लिया है, तो अब खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहता और दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते, शादी हो जाती है उनकी। तो बसानियो और पोर्शिया को बताता है कि ही हैड नो फॉर्च्यून एंड ही कुड नॉट बोस्ट ऑफ एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़, कि उसमें कोई ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है, उसको अपना फॉर्च्यून कुछ नहीं दिख रहा, बट स्टिल पोर्शिया एक्सेप्ट करती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मोडेस्टी की वजह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। पोर्शिया को वो पसंद है और जिस तरह से उसका बिहेवियर है उसको सब कुछ उसका अच्छा लगता है, तो पोर्शिया उसका सच जानने के बाद भी उसके साथ शादी कर लेती है। देन शी टोल्ड बसानियो कि दैट शी हरसेल्फ वॉज अ सिंपल गर्ल, कि उसे भी सिंप्लिसिटी में रहना पसंद है। शी ऑफर टू बी गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय बसानियो, कि मतलब वो अगर बसानियो उसका हस्बैंड बने तो उसको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो खुश होगी उसके साथ रहने में। अब जब आपस में ये बात कर रहे होते हैं बसानियो और पोर्शिया, तो फिर उनकी हैप्पीनेस को भंग करने एक जो है मैसेंजर आता है। अब मैसेंजर बसानियो के लिए आता है, वो मैसेंजर वेनिस से, और वो उसे एक लेटर देता है। लेटर क्या देता है, लेटर आती है एंटोनियो से, और एंटोनियो की वो लेटर है कि बसानियो के लिए कि बसानियो देखो भाई जो मेरी जो शिप्स आनी थी वापस वो नहीं आ रही, वो कहीं खो गई हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, जिसकी वजह से अब एंटोनियो को तो हैवी लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। अब उसकी वजह से जो पेमेंट है वो शाइलॉक की वो भी नहीं हो पाएगी, और उसकी पेनल्टी क्या है कि एंटोनियो को ही अपने बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश देना पड़ेगा, और वो उसे ये भी नहीं पता कि कौन से बॉडी पार्ट का देना पड़ेगा। अब ये तो हो गया बहुत बड़ा पंगा, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि वो तो आसानी से शिप्स आएंगी, पैसा देंगे और काम ख़त्म, बट ना शिप्स आई हैं ना पैसा आया है, और उसके बदले में क्या है कि उनकी बॉडी का वो फ्लैश ले लेगा। अब वो उसे कहता है कि बसानियो भाई कुछ करो, मेरे को तो बहुत टेंशन है, तो अब मैं मतलब मेरी जान बचाने की कोशिश करूं।
उसी समय बसानियो जो है, बसानियो को मतलब एंटोनियो जो है बसानियो को कहता है कि तुम मेरे से बस एक बार मिल लेना मेरी डेथ से पहले। अब उसे पता है कि पैसा तो आएगा नहीं, अब जो शाइलॉक ने बॉन्ड बनाया वही फुलफिल करना पड़ेगा, तो उसे पता है कि अब वो मर जाएगा एंटोनियो। तो एंटोनियो बसानियो को कहता है कि मेरे को मिलने मिलने आ जाना मरने से पहले एक बार। तो बसानियो तो बहुत सीरियस सिचुएशन में है और अपनी पूरी जी जान लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसे किस तरह से बचाऊं, बस पैसा तो उसके पास है नहीं। तो पोर्शिया उससे पूछती है कि क्या बात है, मतलब तुम इतनी टेंशन में हो कि मेरे को बताओ क्या बात है ना। तो बसानियो उसको कहता है कि ऐसे ऐसे हमने सारा लोन लिया था, तो लोन में पेनल्टी उसने ये रखी, बॉन्ड बनाया जिसमें वो फ्लैश लेना चाहता है। तो कहती है, पोर्शिया कहती है कि ऐसे करो, तुम मेरे से जितना पैसा चाहिए तुम मेरे से लो, डबल पैसा लो, ट्रिपल पैसा लो, बट एंटोनियो की जान बचाओ। तो यही मतलब दोनों अपसेट हो जाते हैं, पोर्शिया भी अपसेट है, बसानियो भी अपसेट है। तो वो कहती है कि तुम ऐसे करो, जल्दी जल्दी वहाँ जाओ, बसानियो को कहती है कि एंटोनियो के जाके जान बचाओ, जल्दी वेनिस जाओ। तो जब बसानियो वेनिस के लिए निकल जाता है, पोर्शिया अपने सर्वेंट को कॉल करती है, सर्वेंट को अपने बुलाती है और वो उसको कहती है कि वो खुद एक प्लान तैयार कर रही है कि वो बेलमोंट से निकले थोड़ी देर के लिए। अपना जो प्लान है वो अपनी मेड सर्वेंट जो उसकी है नेरिसा, उसके साथ डिस्कस करती है। वो उसे कहती है कि, पोर्शिया नेरिसा को कहती है कि देखो बहन, ऐसे करते हैं, हम दोनों लॉयर के भेस में जाते हैं वेनिस में और एंटोनियो को पूरी बचाने की कोशिश करते हैं कि किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम लॉयर बन के गए हैं। अब नरिसा भी उसका साथ क्यों देगी, क्योंकि साथ में ग्रेशियानो है और ग्रेशियानो वही ग्रेशियानो जो बसानियों के साथ आया था बेलमोंट में, उसके साथ नरिसा को प्यार होता है। तो अब दोनों के हस्बैंड हो गए, नरिसा का भी वो हस्बैंड हो गया ग्रेशियानो और बसानियों की वाइफ हो गई पोर्शिया। अब दोनों चल पड़ी हैं जी लॉयर बन के वहाँ पर वेनिस में, और वो कहते हैं कि किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम मतलब लड़कियां हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मेन वाला भेस ले लिया है और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो लॉयर हैं। अपने भी घर में बता देते हैं कि किसी को बताना मत कि हम कहाँ गए हैं, तो अपना कोई रिचुअल वो करने जा रही हैं, ऐसा कुछ कह के जाती हैं। तो जब वो जाती हैं वेनिस में जाती हैं, तो एंटोनियो को तो जेल में भेज दिया गया था है, क्योंकि वो पेमेंट अपनी पूरी नहीं कर पाया जो शाइलॉक ने कहा था। तो ही वॉज गोइंग टू बी ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब जैसे हमारे यहाँ पर कोर्ट में भेजा जाता है व्यक्ति को, उसी तरह उसको भी कोर्ट में भेजा गया, और कोर्ट में वहाँ पर ड्यूक होता है, जैसे एज अ जज जिसको कह देते हैं। तो ड्यूक ऑफ वेनिस जो है और अदर रिस्पेक्टेबल मैन भी हैं, उन सबको वहाँ पर बुलाया जाता है, साथ में शाइलॉक होता है। फिर एंटोन उनको कहा जाता है कि शाइलॉक को कहते हैं वो कि एंटोनियो के ऊपर थोड़ी सी मर्सी दिखाओ, प्लीज़ एंटोनियो का जितना भी ये चीज़ है इसे माफ़ कर दो, ऐसे किसी का फ्लैश थोड़ा ले लेते होते हैं। तो शाइलॉक मानता नहीं है, कोई भी आर्ग्यूमेंट पे कोई भी वो नहीं करता, और अपने पूरे उस पर टिका हुआ है कि मैं तो लेके ही रहूंगा, और सारे उसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करते होते, थोड़ा सा समझो इस बात को, बट नहीं। तो वो कहता है कि ही सेड दैट इफ द ड्यूक डिड नॉट डू जस्टिस इन हिज केस द लॉज ऑफ वेनिस वुड हैव नो वैल्यू। वो कहता है कि मैं तो फ्लैश लेके ही रहूंगा, क्यों, क्योंकि उसकी बॉन्ड में उसने पहले से ही साइन उससे करवा के रखा हुआ था। वो अपनी ये क्रूएल बिहेवियर का कोई वो प्रूफ नहीं पेश कर रहा, कोई रीज़न नहीं दे रहा, वो कह रहा है जब मेरा बॉन्ड तैयार है, मैंने जब पहले से साइन लेके हटे हैं, तो फिर क्यों कोई ऐसे मेरे साथ करे, फिर तो ये अनलॉयल्टी नहीं हुई कोई किसी भी तरह की। और अगर ये पूरा काम, अगर उसको शाइलॉक को इस चीज़ का जस्टिस ना मिले, तो फिर तो कहता है कि ये जो आपका कोर्ट है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वेनिस के लॉ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और वेनिस का लॉ बहुत ही उस टाइम पे रिस्पेक्टेबल लॉ माना जाता होता था, जस्टिस के लिए बहुत एक सही चीज़ थी वो, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी वेनिस के लॉ को। तो कहता है कि आपके फिर वेनिस के लॉ की कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, कोई उसके लॉयल्टी नहीं रहेगी अगर मेरे को जस्टिस ना मिला, मैं तो फ्लैश लेके ही रहूँगा। अब इसी बात पे जब ये डिबेट जारी होती है, नेरिसा कोर्ट में एंटर करती है
इन मतलब वो लॉयर का उसने भेस बदला होता है ना, किसी को नहीं पता होता कि वो नेरिसा है। वो ड्यूक ऑफ वेनिस को एक लेटर दे देती है। जो लेटर थी वो थी डॉक्टर बेलारियो की तरफ से, और उसमें लिखा था कि डॉक्टर बेलारियो हैड रिग्रेटेड हिज इनएबिलिटी टू कमिंग टू वेनिस। ही फर्दर स्टेटेड दैट ही वॉज सेंडिंग अनदर यूथफुल बट एक्सपीरियंस्ड लॉयर इन हिज प्लेस। अब उन्होंने क्या किया था, जो ये बिसानियो अंटोनियो का लॉयर था डॉक्टर बिलारियो, उसके बिहाफ पे उन्होंने एक लेटर प्रपोज कर दी जज को, ड्यूक को, कि उनकी जगह पे हम आए, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे। ये डॉक्टर बिलारियो से उन्होंने पहले ही तब लेटर अपने सर्वेंट को भेज के करवा ली थी कि ऐसे ऐसे ये लोग चली जाएंगी ना लॉयर बन के। तो वो कहते हैं ठीक है, तो ड्यूक मैसेंजर को भेजता है कि नए लॉयर को बुलाया जाए। तो पोर्शिया अंदर आती है, वो भी लॉयर के भेस में, मतलब उसने सारा अपने आप को ड्रेसअप किया होता है। और वो ड्यूक को कहती है कि शी न्यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द केस, और वो शाइलॉक को कहती है कि हिस केस वॉज परफेक्टली करेक्ट इन द आईज ऑफ द लॉ, कि तुम्हारा केस बिल्कुल सही है, कि बट दैट ही शुड शो मर्सी टू एंटोनियो, बट स्टिल तुम्हें मर्सी दिखानी चाहिए एंटोनियो के लिए ऊपर। तो शी अर्ज शाइलॉक नाउ टू इंसिस्ट अपॉन द पाउंड ऑफ फ्लैश, के फ्लैश मत लो, ये चीज़ तो गलत है ना। पर शाइलॉक रिफ्यूज कर देता है, ही वो चाहता है कि जो उसने मेंशन किया बॉन्ड में वही फुलफिल हो पाए। बसानियो भी जो है रिक्वेस्ट करता है ड्यूक को टू ब्रेक द लॉ टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, कि अपना लॉ तोड़ो बट एक व्यक्ति की जान तो बचाओ कम से कम। बट पोर्शिया आर्ग्यूड दैट द लॉ मस्ट नॉट बी ब्रोकन, बट पोर्शिया कहती है कि जो लॉ है वो नहीं टूटना चाहिए, हम बिना लॉ के इसको बचाएंगे। वो अब गेम खेलती है पोर्शिया। शाइलॉक सेड दैट इफ द लॉ वॉज ब्रोकन टू द एडवांटेज ऑफ एंटोनियो, द लॉ ऑफ वेनिस वुड हैव नो वैल्यू इन द आईज ऑफ फॉरनर। अब वही चीज़ जो मैंने बताई कि वहाँ का लॉ जो है वो बहुत रिस्पेक्टेबल माना गया था, कि कहता कि अगर शाइलॉक भी अब पोर्शिया का साथ देता, कहता कि हाँ हाँ नहीं, लॉ नहीं टूटना चाहिए, अगर लॉ टूट गया फिर ये लॉ की रिस्पेक्ट ही क्या रहेगी फॉरनर्स के आगे, जो सारे लोग कहते थे कि मर्चेंट ऑफ मतलब ये सॉरी जो लॉ है यहाँ का वेनिस का वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी आने वाले टाइम में। फिर पोर्शिया देन सॉ द बॉन्ड, वो बॉन्ड देखती है और वो डिक्लेयर करती है कि एंटोनियो हैड वॉयलेटेड द बॉन्ड, और उसने वॉयलेट किए हैं रूल्स उसके, और ही वुड हैव टू पे द पेनल्टी। कहती है कि पेनल्टी तो उसे पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो शाइलॉक है वो बहुत खुश हो जाता है और ये बातें सुनने में। तो पोर्शिया फिर एंटोनियो को कहती है टू गेट रेडी फॉर शाइलॉक्स नाइफ, कि तुम तैयार हो जाओ, वही शाइलॉक का नाइफ आ रहा है, क्योंकि पेनल्टी तो तुम्हें पे करनी पड़ेगी। शाइलॉक देन रिक्वेस्टेड पोर्शिया टू गिव हर फाइनल जजमेंट, कि तुम अपनी फाइनल जजमेंट दो कि क्या करना है क्या नहीं, शाइलॉक कहता है पोर्शिया को। तो पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक वॉज लीगली करेक्ट, लीगली तो अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो वो करेक्ट है, एंड ही मस्ट हैव अ पाउंड ऑफ फ्लैश, और उसे लेना भी चाहिए एंटोनियो के बॉडी से फ्लैश। शाइलॉक ने पोर्शिया की बहुत प्रेस की उसकी विजडम के लिए, बट कहती बट वेन शाइलॉक गॉट रेडी टू कट द फ्लैश पोर्शिया आस्क्ड हिम टू वेट, कहती अब रुक जा भाई रुक जा, पहले तो बड़ा उसको खुश कर दिया शाइलॉक को पोर्शिया ने, कि हाँ कि भाई तू ही सही है, तूने बहुत सही काम किया, ये सही है सही है, बट सारी उसकी जो खुशी थी उसको बीच में रोक देती और कहती एक मिनट रुक जा भाई। जब वो ये तैयार होता है ना उसके काटने के लिए फ्लैश, तब कहती है रुक जा दो मिनट रुक, कहती है पोर्शिया कहती है शी रिमाइंडेड हिम दैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन द बॉन्ड ही हैड नो राइट टू टेक इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम एंटोनियस बॉडी, कि तुमने ये बॉन्ड में लिखा था कि तुम फ्लैश ले सकते हो, बट तुमने ये मेंशन नहीं किया था कि तुम उसके बॉडी से ब्लड ले सकते हो, ब्लड उसकी बॉडी से एक बूंद भी तुम ब्लड नहीं ले सकते, कि तुम्हें ये कोई राइट नहीं है। शी सेड दैट शाइलॉक वॉज फ्री टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो, कि तुम फ्री हो फ्लैश लो, बट एक भी बॉडी में से सिंगल ड्रॉप भी नहीं करना चाहिए ब्लड का, कि इस चीज़ पे तुम्हारा हक बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा होता है तुम लो, कहती तुम लो फ्लैश उसकी बॉडी में से, बट अगर एक सिंगल ड्रॉप भी उसकी बॉडी में से गिरता है तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट कन्फिस्टिकेट कर लेगी। इस व्यू को सुनने के बाद जो एंटोनियो के फ्रेंड्स हैं
वो थोड़ा सा इनकरेज्ड फील करते हैं। ग्रेशियानो जो है वो पोर्शिया की विजडम को प्रेज करने लग जाता है। शाइलॉक वॉज पेन्ड। शाइलॉक को बहुत दुख लगता है रियलाइज करके दैट ही कुड नॉट टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश विदाउट शेडिंग एंटोनियोज ब्लड। तो वो डिसाइड करता है विड्रू द केस फ्रॉम द कोर्ट। वो कहता है नहीं अच्छा ठीक है मैं नहीं करता, मैं मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को नहीं चाहिए इसका फ्लैश ना। तो ही सेड द बट ही वॉज विलिंग टू टेक 3 times द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। वो कहता है कि ठीक है मैं उसकी बॉडी से ना फ्लैश नहीं लूँगा बट मेरे को 3x चाहिए बॉन्ड का पैसा। अब बसानियो वॉज क्वाइट रेडी टू पे द अमाउंट क्योंकि पोर्शिया तो उसे पैसा पकड़ा चुकी है। पोर्शिया ने कहा था कि हाँ तुम मेरे से 2x ले लो 3x ले लो बट जितना शाइलॉक मांग रहा है तुम लो, बट एंटोनियो की बॉडी में से कुछ नहीं जाना चाहिए ना। तो बट पोर्शिया अब रोक देती है। पोर्शिया स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। कहती है कि शी सेड दैट शाइलॉक वुड नॉट गेट नथिंग, शाइलॉक वुड गेट नथिंग बट जस्टिस। Shylock said that he was ready to accept even 3,000 ducats. This was the actual amount that he had been borrowed by Antonio from Shylock. अब वो कहती है कि कोई 3x बॉन्ड नहीं देना, शाइलॉक को और कुछ नहीं बट जस्टिस जरूर मिलेगा, उसके जो 3,000 ducats हैं वो उसे वापस कर दिए जाए। पोर्शिया को पता है कि जस्टिस क्या है, कि जैसे शाइलॉक कहता है कि ऐसा करो तुम मेरे को ना जो मेरे 3,000 जो मेरे से पैसे लिए थे वो तो कम से कम वापस कर दो। पोर्शिया कहते ठीक है इसको जस्टिस मिलना चाहिए, बट अब इसकी ये हरकत की वजह से जब पहले इससे बोला गया कि तुम उसका रहने दो फ्लैश, ठीक है तुम इसका पैसा 2x इंटरेस्ट पे ले लो, तब ये मना कर गया, बट अब इसको कहती पैसा भी नहीं देना जो इसके 3,000 ducats से लिए थे वो भी नहीं इसको मिलेंगे। क्यों? पोर्शिया देन टोल्ड शाइलॉक ही कुड नॉट एस्केप इन दैट वे। शी टोल्ड हिम अबाउट द लॉ ऑफ वेनिस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी फॉरनर ट्राइंग टू टेक द लाइफ ऑफ अ सिटीजन ऑफ वेनिस वॉज लाइबल टू पनिश्ड। कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ, तुम्हें 3,000 भी चाहिए तुम्हें तो 3,000 भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक जुर्म हो गया है कि कोई भी फॉरनर अगर वेनिस के किसी भी सिटीजन की जान लेने की कोशिश करता है तो वो पनिश के लायक है, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और यही हमारे वेनिस का कहती लॉ है। दिस पनिशमेंट वॉज दैट हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी वुड गो टू हिज विक्टिम एंड द अदर हाफ वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। और इस पनिशमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जितनी भी शाइलॉक की प्रॉपर्टी है उसका आधा गवर्नमेंट के पास जाए और आधा जो है वो एंटोनियो के पास जाए। इसी के साथ साथ ड्यूक ऑफ वेनिस कुड पनिश सच अ फॉरनर बाय गेटिंग हिम टू पुट टू डेथ। कहते हैं इसी के साथ साथ जो ड्यूक ऑफ वेनिस है वो ये भी चाह सकता है कि जिस व्यक्ति जो है व्यक्ति ऐसा किसी सिटीजन की डिमांड करता है डेथ की वो उसे भी फांसी की सजा दे सकते हैं। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम शाइलॉक्स बिहेवियर दैट ही हैड पर्पसली ट्राइड टू टेक द लाइफ ऑफ एंटोनियो। कहते कि ये बॉन्ड से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम उसकी डेथ करना मतलब उसका उसको मारना ही चाहते थे, और अब जब तुम्हारे आगे बारी बात आई कि तुम उसके एक बूंद भी उसका खून का नहीं उसकी बॉडी से ले सकते तब तुम मुकर गए। तो बिफोर शाइलॉक कुड से एनीथिंग टू द ड्यूक अश्योर्ड शाइलॉक दैट ही वुड नॉट पनिश हिम सो क्रूएली। अब शाइलॉक के कुछ कहने से पहले ड्यूक उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें इतना भी बुरा दंड नहीं दूंगा, इतनी मत करो टेंशन मत लो, क्योंकि पोर्शिया कह देती है टोल्ड शाइलॉक दैट ही मस्ट बेग मर्सी फ्रॉम द ड्यूक। पोर्शिया ने कहा था कि ड्यूक से माफ़ी मांग लो, बट उसके माफ़ी मांगने से पहले ड्यूक कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें कोई डेथ का पनिशमेंट नहीं दूंगा। बट जो ड्यूक है वो अश्योर करता है शाइलॉक को दैट ही वुड टेक ओनली अ स्मॉल अमाउंट एज फाइन एंड नॉट हिज होल प्रॉपर्टी, बट शाइलॉक डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद हिज मनी। अब बट वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ज़्यादा फाइन नहीं लगाऊंगा बट तुम अपने एज अ फाइन कुछ पे करो, बट शाइलॉक तो वो भी नहीं करना चाहता, वो भी नहीं, वो उसको तो पैसे से प्यार ही बहुत ज़्यादा है। ही सेड दैट इफ द ड्यूक टुक हिज वेल्थ ही वुड प्रेफर टू डाई बिकॉज विदाउट मनी हिज लाइफ वुड बी नो बेटर देन डेथ। और कहता है कि पैसा नहीं मैं दूंगा भाई, इससे अच्छा तुम मेरे को मार दो क्योंकि पैसे के बिना तो मेरी मौत भी किसी काम की नहीं है। इवन एंटोनियो वॉज रेडी टू फॉरगिव शाइलॉक। वो एंटोनियो भी अब तो तैयार था शाइलॉक को माफ़ करने के लिए। ही डिक्लेयर दैट ही वुड नॉट लाइक टू टेक शाइलॉक्स वेल्थ। अब वो भी कहता था कि मेरे को शाइलॉक की वेल्थ नहीं चाहिए, इफ शाइलॉक
कि अगर शाइलॉक जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपना ले, वो कहता है एंटोनियो कहता है कि अगर शाइलॉक क्रिश्चियनिटी को अपना ले तो मैं तो शाइलॉक की वेल्थ नहीं लूंगा। ही शुड ऑल्सो बी विलिंग टू गिव हिज वेल्थ टू हिज क्रिश्चियन सन इन लॉ लोरेंजो। शाइलॉक हैड नो वे आउट बट टू एक्सेप्ट दीज कंडीशंस। अब जो शाइलॉक को है, अब ये सारी कंडीशंस जो है वो माननी पड़ रही हैं। शाइलॉक को अपना पैसा उसको देना पड़ रहा है, लोरेंजो को जो उसका वो है सन इन लॉ है जिसके साथ जेसिका भाग गई थी। आफ्टर शाइलॉक हैड गॉन द ड्यूक रिक्वेस्टेड पोर्शिया टू डाइन विद हिम और शी वांटेड टू लीव फॉर अ फार अवे प्लेस। तो अब जो एंटोनियो की वेल्थ है वो चली गई, सॉरी शाइलॉक की वेल्थ है वो अब चली गई एंटोनियो और लोरेंजो के पास। तो अब ये सारा काम हो जाता है तो पोर्शिया भी जाने को तैयार है, वहीं पर पोर्शिया को बसाने और एंटोनियो जो है वो रोक लेते हैं, बट वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये हमारी पोर्शिया ही है। तो पोर्शिया को बसानियो कहता है कि आपने हमारी बहुत मदद की, आप हमसे गिफ्ट के तौर में क्या लेना चाहेंगी। पोर्शिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी बसानियो कहता है कि नहीं नहीं कुछ तो ले लो, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको गिफ्ट दें, हम आपने हमारे एक दोस्त की जान बचाई। तो पोर्शिया कहते चलो ठीक है, ऐसा नहीं तो जो तुमने रिंग पहनी हुई ना मेरे को बड़ी अच्छी लगी, ये मेरे को रिंग दे दो तुम। बसानियो डिड नॉट वॉन्ट टू गिव द रिंग बिकॉज ही गॉट इट फ्रॉम हिज वाइफ एंड हिज वाइफ हैज़ प्रोमिस्ड हिम नेवर टू पार्ट विद इट। और उसकी वाइफ ने तो उसे कहा हुआ है कि कभी उसे देनी नहीं है। तो बट पोर्शिया तो कहती है कि दैट शी वुड नॉट टेक एनीथिंग एक्सेप्ट द रिंग। बसानियो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया है कि मैं ये किसी को नहीं दे सकता, तो मैं आपको कैसे दे दूँ। तो उसे कहती है कि ही वॉज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज टू रिटेन द रिंग, कि ये तो तुम फालतू के बहाने बना रहे हो पैसे, पहले तो तुम मेरे को कहते हो कि हाँ जो गिफ्ट चाहिए ले लो, अब जब मैं गिफ्ट मांग रही हूँ तो अब तुम बहाने लगाने लग गए हो कि नहीं ये तुम्हारी वेडिंग रिंग है, ये तो बहुत गलत बात है। तो एंटोनियो जो है वो बसानियो को कहता कोई बात नहीं दे दो रिंग, कुछ नहीं होता, इसने हमारी जान बचाई है, मैं समझा लूंगा पोर्शिया को। तो देन नेरिसा ऑल्सो पर्सुएटेड ग्रेशियानो टू बी पार्ट विद हिज रिंग। तो दिस रिंग हैड बीन गिवन टू ग्रेशियानो बाय हिज वाइफ। और जो नेरिसा है वो भी ग्रेशियानो को कहती है कि तुम्हें भी जो ये तुम्हारी रिंग भी तुम अपनी मेरे को दे दो। तो फिर उसके बाद ग्रेशियानो हैज़ ऑल्सो बीन बाउंड बाय हिज वाइफ, और ग्रेशियानो को भी उसने नेरिसा ने कहा होता है कि ये भी तुम भी रिंग किसी को मत देना, ये भी तुमने अपने पास रखनी है। अब दोनों के साथ सेम चीज़ हो गई, बसानियो और ग्रेशियानो के साथ दोनों को अब अपनी रिंग्स देनी पड़ रही हैं। अब पोर्शिया और नेरिसा जो है वापस बेलमोंट आ जाती हैं। पोर्शिया टोल्ड हर सर्वेंट दैट शी शुड नॉट दैट दे शुड नॉट से एनी थिंग टू देयर हस्बैंड्स अबाउट द डिपार्चर फ्रॉम बेलमोंट, कि तुमने कुछ भी नहीं बताना अपने सर्वेंट्स को, कहती कि तो हम दोनों बाहर गए हुए थे बेलमोंट से ना। तो ये बात हो जाती है और वहाँ पर फिर बसानियो आता है, वो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कराता है एंटोनियो के साथ। एंटोनियो पहली बार मिल रहा है पोर्शिया को। जो नेरिसा और ग्रेशियानो है वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। नेरिसा मतलब अब ये जो यहाँ पर लड़ाई होती है ये फन के वे में लड़ाई होती है, कोई इंटेंशनली लड़ाई नहीं है। अब जान के जो पोर्शिया और नेरिसा है वो मज़े लेना चाहती हैं कि चलो इनको तंग करके देखते हैं कि अब क्या ये जवाब देंगे ना। तो नेरिसा अब देखती है कि उसकी तो हस्बैंड की रिंग गायब है। ग्रेशियानो को कहती है कि तुम्हारी रिंग कहाँ चली गई है, मैंने तुम्हें दी थी, तुमने किसको दे दी है। शी पॉइंटेड आउट दैट ही हैड गिवन द रिंग टू सम अदर गर्ल हु वॉज हिज इलीगल बिलवड। वो उस पर ना इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि तुम्हारा पक्का कोई अफेयर है, तुमने किसी और लड़की को दे दी है मेरी रिंग। फिर ग्रेशियानो जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है कि नहीं, वहाँ पर एक लॉयर आया था, लॉयर ने मांगी थी। पोर्शिया सेड दैट नेरिसा वॉज क्वाइट राइट इन बींग एंग्री विद हर हस्बैंड। पोर्शिया भी कहते हाँ हाँ नहीं नेरिसा तुम ठीक हो, ये ऐसा तो होता ही है, ये ऐसे कैसे दे दी रिंग वगैरह वगैरह। तो फिर इफ़ बसानियो वर टू लूज द रिंग शी वुड ऑल्सो बी एंग्री विद हिम। अब वो कहती है कि अगर बसानियो से गुमी होती तो मैं भी बसानियो के साथ इतना ही गुस्सा होती। तो ग्रेशियानो पोर्शिया को बताते कि बसानियो ने भी रिंग दे दी है लॉयर को। तो पोर्शिया कहती है, पोर्शिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है।
कहते बसानियो सेड दैट ही हैड नॉट गिवन द रिंग टू एनी गर्ल बट टू द लॉयर। कहते बसानियो कहता है कि उसने किसी लड़की को नहीं दी, उसने भी लॉयर को ही दिया। अब पोर्शिया भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। अब दोनों दोनों को पता तो है कि ली तो उन्होंने ही है, बट फिर भी वो जान की लगी पड़ी है दोनों की टांग खिंचाई करने की। हाँ देखते हैं क्या बोलते हैं ना। अब एंटोनियो को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। ही फेल दैट ही वॉज द कॉज ऑफ दिस क्वारल। उसको लगा कि ये सारी लड़ाई उसकी वजह से हो रही है, क्योंकि उसी को तो बचाने वो लॉयर आया था, उसी के बचाने में के चक्कर में उसने रिंग मांगी है। तो एंटोनियो को ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं आया। तो पोर्शिया रिब्यूक्ड बसानियो फॉर पार्टिंग विद द रिंग इन दिस मैनर। बसानियो वाज सॉरी फॉर डूइंग सो अंडर कंपल्शन। ही हाउएवर प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर ब्रेक एनी अदर प्रॉमिस इन द फ्यूचर। कहता कि मैं कंपल्शन में आ गया था, मेरे लिए कंपल्सरी हो गया था इस चीज़ को करना, बट स्टिल मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पोर्शिया भी उसे मानने से इनकार कर देती है, वो बोली जा रही है, उसको कुछ ना कुछ कही जा रही है ना, रिब्यूक करती जा रही है। फिर उसके बाद एंटोनियो जो है ही सेड दैट ही वॉज रेडी टू स्टैंड श्योरिटी फॉर बसानियो एंड ही कुड से दैट बसानियो वुड नेवर ब्रेक एनी प्रॉमिस इन द फ्यूचर। वो कहता है कि अब जैसे पहले भी वो श्योरिटी की तरह खड़ा था शाइलॉक के साथ, कहता है इस बार भी मैं खड़ा होता हूँ बसानियो के साथ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, कि कभी तुम्हारा ये जो दिया प्रॉमिस है ये नहीं तोड़ेगा ना। तो पोर्शिया देन ऑफर्ड टू गिव अनदर रिंग टू बसानियो बट ही मस्ट टेक एन ओथ दैट ही वुड नेवर गिव इट टू एनीवन। कहते हैं मैं ठीक है मैं तुम्हें दूसरी रिंग देती हूँ, बट अब मेरे को ये प्लेज लो कि तुम किसी और को नहीं दोगे। देन शी गिव द सेम रिंग टू बसानियो और वही रिंग जो है जो उसने ले ली होती है बसानियो से लॉयर बन के, वो उसे वापस कर देती है। कहती है ये लो। बसानियो वॉज वेरी मच सरप्राइज ऑन सीइंग दिस रिंग। अब वो तो बहुत शौक हो जाता है कि ये सेम रिंग कैसे आ गई मेरे पास वापस। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम रिंग एज ही हैड गिवन टू द लॉयर इन वेनिस। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही सेम रिंग है। तो पोर्शिया देन सॉ बसानियो सरप्राइज। वो उसे आगे एक्सप्लेन करती है आगे कि ये जो रिंग थी ना, ये उसने ट्रिक किया था उन दोनों के साथ। शी और नरिसा हैड प्लेड अपॉन बसानियो एंड ग्रेशियानो। तुम्हारे साथ खेल रचाया है हमने, हम ही बन के गए थे लॉयर और हम ड्रेस एज अ लॉयर हो गए थे। और शी हैड गॉट लीगल एडवाइस फ्रॉम हर कज़न डॉक्टर बेलारियो ऑफ पाडुआ। शी हैड देन गॉन टू वेनिस टू एडवोकेट एंटोनियोस केस। कहती मैं डॉक्टर बेलारियो जो उनके कज़न लगते हैं एक तरह के, लीगल एडवाइस लेके ही मैं तुम्हारे पास आई थी। She also told him about the trouble that she had taken for his sake. Then Portia showed a letter of Antonio. The letter said that all Antonio's ship were safe. और फिर वहाँ पर एक लेटर आती है पोर्शिया पढ़ती है एंटोनियो के लिए, जिसमें लिखा होता है कि जितने भी एंटोनियो की शिप्स हैं वो सेफ़ हैं, आ गई हैं वापस। और ही वाज अ वेल्दी मैन एज बिफोर। अब वो उसी तरह अमीर आदमी बन चुका है जैसे वो पहले होता था। शी ऑल्सो शोड अ पेपर document to Lorenzo and Jessica in which it was mentioned that Shylock's wealth would go to Lorenzo after the death of the former. और वो कहती हैं कि जिसमें एक document दिखाती है Lorenzo और Jessica को, जिसमें लिखा होता है कि जितनी भी Shylock की अब wealth है वो तुम्हारे पास आ जाएगी जब Shylock मर जाएगा। तो Lorenzo was also very thankful to Portia. तो अब Lorenzo भी खुश, Jessica भी खुश, Graciano Nerissa भी खुश, Bassanio Portia भी खुश, Antonio भी वापस से अमीर हो गया। इसी के साथ साथ जो प्ले है उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सबको ये इजीली समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी बता दो भाई, शेयर कर दो, उनको भी शायद ये मर्चेंट ऑफ वेनिस समझ आ जाए। तो